Hello, my lovely students. Welcome back to the channel. This is Mansi from Vidyarthi Jot in chapter 11 ke notes kar rahe hain hum. Yahan pe ab hamara next topic hai pressure exerted by liquids and gases. So, abhi last topic hum pressure ka karke aaye. Humne padha pressure kya hota hai and jo major cheez humne usme padhi hai wo ye hai ki magnitude aur pressure alag cheez hai aur unme kya difference hai, theek hai? So, yahan pe ab hum baat kar rahe hain pressure exerted by liquids and गैसेस. अब कहा जा रहा है कि जो लिक्विड और गैस है ये भी एक प्रेशर एग्जर्ट करती है. लेट्स रीड इट आउट. लिक्विड एंड गैस कैन आल्सो एग्जर्ट प्रेशर. एग्जर्ट प्रेशर, एग्जर्ट करने का मतलब प्रेशर लगाना, ठीक है, ऑन इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड. अब वो कह रहे हैं कि कोई गैस है या कोई अगर लिक्विड है तो जिस भी कंटेनर में हमने उसे रखा होता है वो उस कंटेनर में कुछ प्रेशर लगाते हैं. अब हमें तो कभी फील नहीं होगा एक बॉटल में पानी पड़ा हुआ, क्या हमें दिख रहा है पानी बैठा हुआ उस पे प्रेशर लगा रहा है? नहीं दिखता. सो कैसे पता चलेगा? देखो, व्हेन एयर इज फिल्ड अ रबर बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड फ्रॉम ऑल साइड्स. दिस हैपेंस ड्यू टू एयर और गैस एग्जर्ट प्रेशर ओवर इनर वॉल्स ऑफ द बैलून. अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला है. एक बैलून लिया हमने एंड उस बैलून को आपने ब्लो करना स्टार्ट किया तो वो इस तरह से ब्लो तो होने लग गया. वो क्या हो रहा है, उसकी शेप इतनी चेंज हो रही है क्योंकि उसमें जो एयर है वो फोर्स अप्लाई कर रही है. तो यहाँ फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रही है कह सकते हैं. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गैस है, एयर एक गैस है, कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज तो नहीं है. सो वो जो गैस है उसने एक प्रेशर अप्लाई किया जिससे आपका बैलून ब्लो होने लग गया. ऑल्सो अगर आप उसमें हवा भरते जाओगे, ब्लो करते जाओगे तो वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा. मतलब एयर का प्रेशर से ही तो वो बर्स्ट हुआ, नहीं तो उसमें अगर एयर का कोई प्रेशर ही ना हो तो हम उसमें हवा भरते रहते वो बड़ा होता जाता है. लेकिन क्योंकि एयर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जब वो एक लिमिट तक ब्लो हो गया तो उसके बाद अगर आप उसमें और एयर डालोगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा. और बर्स्ट हो जाने का मतलब है कि एयर ने प्रेशर इस लेवल तक एग्जर्ट किया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एयर एक गैस होने के बाद भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है. ठीक है, क्लियर हुआ? सिमिलरली अभी जो हमने यहाँ पे ऊपर लिक्विड की बात करी थी, अभी तो हमने गैस देख लिया. लिक्विड का हमने बोला था कि जिस कंटेनर में वो पड़ा होता है उस पे प्रेशर लगाता है. अब ये नहीं समझ आया था कैसे, इसके लिए एग्जांपल देख लो. वॉटर स्टार्ट लीकिंग इफ देयर इज अ पोर इन द बॉटल. दिस हैपेंस ड्यू टू वॉटर एग्जर्ट्स प्रेशर ओवर द वॉल्स ऑफ द बॉटल. अब एक वॉटर बॉटल है आपके पास जिसमें पानी भरा हुआ है एंड देन उसमें अगर आप एक होल कर दो, क्या होगा, पानी वहां से लीक करना स्टार्ट कर देगा. और पानी मतलब क्योंकि वो उस वॉल्स पे कुछ प्रेशर लगा रहा था, जैसे ही होल हो उसमें से वो पानी निकलने लग गया. दैट मींस कि वो पानी उस बॉटल पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा था जो कि ऑब्वियसली हमें दिख नहीं रहा था, बट प्रेशर अप्लाई हो रहा था. तो यहाँ पे इन दो एग्जाम्पल से हम सिंपली यहाँ पे बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर अप्लाई करती है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट प्रेशर एग्जर्टेड बाई लिक्विड एंड गैसेस. नाउ वी मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट टू द लास्ट टॉपिक बट इन द नेक्स्ट वीडियो.